अभी रुचा बताते हैं तभी भी। ना बसे तो कहो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग देखते रहिए और देखकर बताना आप लोगों को कैसी लगी। और आज जो है कुछ हम अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है पशुओं को पानी पिला देते हैं और सुबह के सारे काम हमने कर लिया है और उसके बाद ही वीडियो की स्टार्टिंग किया है। तो यहाँ पर पानी सबको पिला दिया है, गोबर जो पड़ा था तो पशुओं के नीचे से हटा देंगे, नहीं तो फिर ये इसको इधर उधर करके पूरे जगह में फैला देंगी। उसके बाद में आ गए हैं यहाँ पर मिट्टी भिगोने के लिए। तो एक दीदी हमारी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं कि मिट्टी आपने इकट्ठा किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर हमने दिखाया भी था और पन्नी वगैरह लकड़ी सारी डाल दी गई हैं ताकि जो है बारिश का पानी, क्योंकि ये खुली जगह में रखी हुई स्टोर की गई है क्योंकि और कहीं जगह नहीं है। जो अलमारी हमने बनाया था तो उसमें तो पिंडोर भरा हुआ ही है जो आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मिट्टी हमने एक तसला के लगभग में निकाल लिया है और इसको भिगो देते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं, जितना काम है बस उतनी ही भिगोएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने पानी भी डाल दिया है और नांद की हालत आप लोगों ने देख ही लिया है कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इसको जो है अभी नहीं फ़िलहाल बनाएंगे। उस मिट्टी को तो हम किसी और चीज़ के लिए भिगोया है, तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे और बनाएंगे भी। और यहाँ पर जो है अमरूद दो फूले हुए लगे थे तो उनको तोड़ लिया है और तोड़कर जो है धुल के कट कर लेते हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर जो है बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि बारिश कभी होती है और कभी नहीं होती, वो भी ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं हुई है, बस हल्की ही हल्की हुई है एक दो दिन। और यहाँ पर जब बारिश के बाद वाली जो धूप निकलती है वो बहुत ज़्यादा भयंकर होती है, बहुत ही गर्मी। तो यहाँ पर लेकर के आ गए हैं और आयांश को दिया है और हम भी खाएंगे। और खाने के बाद में यहाँ पर ले आए हैं एक मटका, तो इसका कुछ बनाने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही है कि क्या बनाने वाले हैं और इसको क्यों बना रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है निशान लगा लेंगे और निशान लगाकर ही फोड़ेंगे। और इस मटके में कुछ शायद बना रहे थे तो आयांश ने आंगन में गिरा दिया था तो ये चिटक गया, जैसे कि आप लोगों ने जैसे हम थोड़ा सा इधर किया तो देखा तो ये बहुत ही आसानी से फूट गया था जहाँ से हमने निशान लगाया है। तो इसका बनाने वाले हैं एक चूल्हा। तो चूल्हा तो वैसे हमारे यहाँ दो हैं, एक हमने छत पर रखा है और एक रसोई में, तो ये धुआं रहित वाला चूल्हा बनाया ही है। तो एक हमारी दीदी ने कहा था कि इसको कैसे बनाया है, आप ज़रूर जो है शेयर करिएगा। तो ये चूल्हा जो है आसानी से नहीं बनेगा, तो इसको इतनी जल्दी नहीं फोड़ेंगे। और हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह अब नहीं है कि हम दोबारा से ऐसा चूल्हा बनाकर दिखाएं। तो आप जो है हमारी वीडियो चैनल पर जा करके इसी वीडियो को आप आराम से देखिएगा और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप जो है बना सकती हैं, क्योंकि इस चूल्हे को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हमको मेहनत लगी थी। वैसे हमारे चैनल पर काफ़ी तरह के चूल्हे आप लोगों को मिल जाएंगे, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आयांश ने आज जो है चूल्हे पर ट्रैक्टर गाड़ी अपनी खूब बहुत ही चलाया था, तो राखी इधर उधर कर दिया है, वही हमने हटा करके रखा है। तो मिट्टी भिगो दिया था और उसके बाद में मटके को भी कट कर लिया है। और यहाँ पर आ गए हैं तो चूल्हा ठंडा हो चुका, तो इसकी पुताई कर देते हैं।
कुताही करने के बाद में जो है ये भी सूखता रहेगा, फिर शाम के खाने की तैयारियां होंगी। तो पोताई हमने जो है कल अभी डीप क्लीनिंग रसोई की किया ही था, इस वजह से दीवारों की नहीं पुताई किया है, क्योंकि अभी जो है साफ सुथरी पड़ी हुई हैं और जब चूल्हा पास में होता है तो जल्दी जो है दीवारें काली हो जाती हैं, नहीं तो फिर अब ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन जो है जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो तीसरे दिन कर देते हैं, लेकिन जब एक दिन पहले ही डीप क्लीनिंग अच्छे से करते हैं तो फिर नहीं करते हैं। और आज जो है हमने रसोई की पुताई एक बार कैमरा लगा लिया था, उसके बाद याद ही नहीं रहा कि उसको हटाना है कि नहीं हटाना है, तो वो जो है बस थोड़ी सी ही पुताई नीचे की दिखाई दी थी और यहाँ पर आ गए हैं। फिर उस दिन जो है हमने वीडियो कोई नहीं शूट किया था और वैसे हमारा मन नहीं था बिल्कुल। ये जो है लगभग में 5-6 दिनों से हम एक चूल्हा बना रहे थे तो बारिश की वजह से वो सूख नहीं रहा था, तो हमको ज़्यादा टाइम इसमें लग गया है। नहीं तो जो है बस अगर गर्मियों में बनाते हैं तो एक ही दिन में चूल्हा हम तैयार कर देते हैं, नहीं तो फिर 2 दिन में तैयार हो जाता है। एक दिन में अगर बनाते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ कि जैसे कि एक दिन में चूल्हा कंप्लीट करने पर तेल, उसमें तेल की बचत होती, कम लगता है, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर जो है भूसा नहीं था, हमने देखा था तो फिर गए थे सामने से भूसा लेकर आए। ये नया ही भूसा है तो ये गांठ वाला है जो पेड़ी की तरफ का होता है, मोटे की तरफ का, तो वही भूसा है तो काफ़ी ज़्यादा अभी मुलायम नहीं हुआ है, तो मिट्टी में डालकर, मिट्टी हमारी फूल चुकी है तो इसको सान लेते हैं। और कुछ मिट्टी है जो मिक्स हो गई है, जो अभी नई फूली, कल भिगोया था तो आज भी अभी हल्की हल्की इसमें रोड़े टाइप में है, तो उसको हमने निकाल दिया है। और अब इस मिट्टी को जो है निकाल लेते हैं, सन चुकी है अच्छे से, तो आप लोग देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और जब अच्छे से मसल जाती है मिट्टी वगैरह तो उसका कुछ भी बनाओ तो बहुत ही बनाते हुए भी अच्छा लगता है और बनने के बाद भी और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मिट्टी हमारी एकदम मिक्स हो चुकी है भूसे में, लेकिन भूसा जो है नया है तो वो हल्का पतला लगाने पर काफ़ी ज़्यादा मतलब निकल आता है बाहर, लेकिन निकलेगा नहीं ऐसे लगाएंगे। तो इधर आप लोगों को दिखा रहे थे क्योंकि जैसे हम आप लोगों को बताते हैं कि पानी जो है डेली लगाया जाता है गेंदों में, क्योंकि अभी वो नाजुक बेड़ है तो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है इस वजह से, तो वही इंजन जाने की तैयारियां हो रही हैं। बंद करा देनी हो क्या करियो। और इधर जो है हमने मिट्टी को सान कर और तसले में निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं छत पर। और टाइम हो रहा है तो पशु जो है चरने के लिए भी जो है जा रहे हैं जो गांव के हैं। और इधर हमने मिट्टी निकाल लिया है तो अब चलते हैं छत पर। और इस टाइम जो है घर के हालात बारिश की वजह से कुछ बाहर के या छत पर के सब कहीं के बहुत ही अलग हैं और ऐसे ही अब कुछ दिनों तक रहेंगे भी। तो यहाँ पर जैसे ही छत पर आए थे तो 3 हमारे गेंदा छत पर जो हमने लगाया था 5-6 पौधे, तो 3 गेंदा के पौधे चले हुए हैं, बाकी तो सब खराब हो चुके हैं। यहाँ पर जो ये क्यारी हमारी हरी भरी लहलाती हुई आप लोगों को दिख रही थी पिछले महीने में, तो अब ये भी खराब हो चुकी है। इतनी ज़्यादा बारिश के बाद वाली जो घमसी टाइप में निकलता बहुत भयंकर वाली, तो उसमें पौधे क्या सब कुछ जो है मुरझा ही जाता है, तो उसका हाल जो है ऐसा ही कुछ हुआ है। तरोई के तो अच्छे खासे चल भी रहे थे और लौकी का इतना बढ़िया पौधा था वो भी ख़राब हो गया, और बाकी जो
मेथी वगैरह कुर्थी जो थी तो वो भी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है हमने वो जो मटके को कट किया था उसमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगा लिया है, और उसके जो पिछला निचला वाला भाग था तो वो वाला जो है आयांश ने हमने आप लोगों से बताया कि वो आंगन में गिरा दिया था तो वो टूट गया था, इसी वजह से इसको हमने रखा है। ये है हमारा एल्युमिनियम का शायद है तो इसको हमने रख दिया है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो वैसे मटके का ही नीचे वाला जो भाग होता है वही होता तो उसको हम रख कर बनाते, लेकिन वो फूट ही गया है तो ये हमारे पास था तो वही हमने इसको रख लिया है, और इसके ऊपर जो इस तरह से मिट्टी लगा करके बना देंगे। तो दोस्तों हमने जैसे कि पहले आप लोगों से बताया कि कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तो माफ़ी चाहती हूँ, ना ही तो कुछ बताएंगे और ना ही तो जो है शेयर करेंगे, क्योंकि अब हमने पहले कह दिया था लेकिन जब यहाँ तक वीडियो एडिट और वॉइस किया पहुँच आए यहाँ तक तो अब जो है नहीं, अब बिल्कुल हिम्मत है आप लोगों से बताने की, तो माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने कहा और फिर कुछ बताया नहीं, तो ना ही कुछ शेयर किया। तो चलिए किसी दिन और जैसा कुछ होगा तो हम आप लोगों को बताएंगे और शेयर भी करेंगे। और तो इस चूल्हे को हमें कई दिन लग गए हैं बनाने में, क्योंकि बारिश भी हो रही और इसको बनाना भी था। और इसको बनाना क्यों था आप लोग कहेंगे, छत पर भी चूल्हा है और नीचे भी रसोई में है, तो आप लोगों को जैसा कुछ हम करेंगे क्यों बना रहे हैं तो आप लोगों को आगे की वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे भी, और इसको जब यूज़ करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर चूल्हा हमारा लगभग में बन ही चुका है, इसको चिकना कर देते हैं। तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो हमारा आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये चूल्हा हमारा मटके का कैसा लगा आप लोगों को ये भी कमेंट करके बताना। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, बिना लाइक किए मत जाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा वीडियो और हमारा चूल्हा कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।